माननीय भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग है कि इस पर लोकसभा से और विधानसभा से ये पारित किया जाए कि ये छठ जो पर्व महापर्व को अब राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित कर देना चाहिए। घोषित करने के कारण क्या है कि छठ परम सत्य के साक्षात प्रतीक के प्रति आस्था की चरम, यानी दुनिया में मानव मस्तिष्क को सूर्य से अधिक न तो किसी ने आकृष्ट किया और न ही चमत्कृत किया। कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं जिसमें पूर्ण उपासना और विधान न हो, लेकिन बिहार के लोग में रचा बसा आस्था के स्वरूप है। सूर्य ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और हर छठी व्रती तीर्थयात्री इस तीर्थ का परम उद्देश्य गुणों को आत्मसात जो करना है, सूर्य जैसे सत्य का पालन करना, सूर्य से विराट बने मन, जीवन में सूर्य से श्रेष्ठता और सूर्य से सम हो उधार। यानी कि सूर्य हमारे आराध्य गुरु और मित्र है। वेद कहते हैं कि सूर्य गुरु सूर्य ही दर्शन, सूर्य मार्गदर्शक, जीवन का हर पहलू पर है इनका प्रभाव। यानी कि प्रतत्व साक्ष्यों के आधार पर लोग सूर्य उपासना और इसके शुरुआत जो प्रागैतिहासिक काल से मानते हैं और इसे संकल्पबद्ध तरीके से जोड़ते हुए आज तक जो ले आए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले ठीकड़ों यानी मोहरों में भी सूर्य का ही प्रतीक समझा जाता है। वैदिक काल में सूर्य उपासना का सर्वाधिक महत्व था। यज्ञ के प्रसंग में सूर्य उपासना का जो वर्णन मिलता है, यानी महाभारत और रामायण में भी मानवीय स्वरूप का जो उल्लेख हुआ है। अगर बात करते हैं साक्ष की बात करते हैं तो मानव रूप से सूर्य का प्राचीनतम अंकल पटना से प्राप्त कालीन एक मुहर है जिस पर सूर्य चार घोड़ों वाले पर रथ पर सवार हैं और सारथी इसके अरुण भी है। दूसरी मानव आकृति चंद्र केतु ग्रह से प्राप्त हुई है। यह शुंभ कालीन 185 ईस्वी से पूर्व से 73 ईस्वी में जिसमें मिट्टी के गाड़ी पर सूर्य ये आसीन है। बोध गया के स्तंभ पर सूर्य का अंकन है। सूर्य एक पहिए वाले रथ पर सवार है जिसमें चार अश्व घोड़े खींच रहे हैं जो आजू बाजू उषा और साथ इनके प्रत्युषा यानी कि